हमें चला कौन रहा है, हमें कौन चला रहा है, हमें चलाने वाली शक्ति कौन सी है, क्या वो शक्ति अंदरूनी है, क्या वो शक्ति बाहरी है, क्या हमें खुशी चला रही है या चिंता चला रही है, क्या चिंता चला रही है या खुशी चला रही है। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मानसिक परेशानियों के लिए उम्मीद और आशा की किरण लेकर के आई है ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग, आज ऑनलाइन काउंसलिंग से मानसिक रोगों का इलाज आसान और बिल्कुल सस्ता हो गया है। आज का वीडियो ऑनलाइन काउंसलिंग ऑनलाइन मेंटल हेल्थ सीरीज के तहत ही आप तक पहुंच रहा है। आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि जिंदगी किसके सहारे चल रही है, जिंदगी में कौन सी फोर्स है जो चला रही है। आपने देखा होगा कि जिंदगी अपने आप नहीं चलती है, जिंदगी को कोई ना कोई चलाता है, तो वो चलाता कौन है? क्या खुशी जिंदगी को चला रही है, क्या डर जिंदगी को चला रहा है, क्या चिंताएं जिंदगी को चला रही है? ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इंसान काम करता है उसके पीछे दो फोर्स काम करती है। नंबर वन फोर्स है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है, और दूसरी फोर्स है किसी चीज से बचने के लिए काम किया जाता है, पेन एंड प्लेजर। या तो पेन से बचने के लिए काम किया जाता है या प्लेजर को पाने के लिए काम किया जाता है। तो ये जरूरी है कि हमें रन करने वाली शक्ति कौन सी है, खुद को रन करने वाली शक्ति कौन सी है, उसका पता लगा लिया जाए। जो मानसिक परेशानियों से घिरे होते हैं, जो मानसिक रोगों का शिकार होते हैं, उनके अंदर जो जीवन को चलाने वाली शक्ति है वो दुख तकलीफ चिंता परेशानी अवसाद, ये मानसिक रोग बन जाते हैं। मानसिक रोग अगर जिंदगी को चला रहे हैं तो जिंदगी कहाँ जाएगी? जिंदगी मानसिक परेशानियों से चलती नहीं है। अगर चलेगी भी तो मानसिक परेशानियां उसे सही से ना रहने देंगे, ना जिंदगी को चलने देंगे, बिल्कुल जिंदगी जर्जर बन जाएगी, जिंदगी बोझिल बन जाएगी, जिंदगी एक खटारा गाड़ी की तरह हो जाएगी। तो अगर जिंदगी को चलाने वाला स्ट्रेस है, जिंदगी को चलाने वाला दुख है, जिंदगी को चलाने वाला एक पेन है किसी भी प्रकार का, तो आज से ही समझ जाइए कि ये जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसकी जगह अपने प्लेजर को लेकर के आइए। प्लेजर जिंदगी को रन करने वाली फोर्स होना चाहिए। जब प्लेजर रन करेगा फिर खुशी आती है। हम काम करते हैं, क्या काम किसी चीज़ से बचने के लिए करते हैं, क्या दुख से बचने के लिए करते हैं, क्या चिंता से बचने के लिए करते हैं, या काम करते हैं खुशी प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा अनुभव करने के लिए। कहा जाता है ना कि नौकरी करने वाले जो शाम को जो पगार लेकर के आते हैं, जो तनख्वाह लेकर के आते हैं, तनख्वाह वो नहीं जो जेब में लेकर आई जाती है, तनख्वाह वो है जो दिल में एहसास लेकर आया जाता है। तो हमारे काम के पीछे फोर्स कौन सी है, वो फोर्स का पता करना सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है मानसिक स्वास्थ्य की तरफ। आप मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जिंदगी को रन करने वाली फोर्स कौन सी होनी चाहिए, और फोर्स कैसे हम पहचाने, कैसे उस फोर्स को पहचाने जो जिंदगी को रन कर रही है। क्या वो दुख तकलीफ है, क्या वो चिंता है, क्या वो खुशी है? अगर दुख तकलीफ है तो खुशी से कैसे जिंदगी को रन करना है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप चूक न जाना ऑनलाइन मुझे दुख तकलीफ के बारे में बताना। अगर आप मुझे अपनी परेशानियों के विषय में खुलकर बताते हैं तो उनका निदान होना संभव है, उनका निदान करना मेरा कर्तव्य है। आप आज साइकोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं, जिसमें सबसे कारगर थेरेपी CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, श्रीमद् भागवत गीता। आज गीता थेरेपी, जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी को कौन चला रहा है, कर्म क्या है, क्या है कर्म फल का सिद्धांत, क्या है फल के प्रति आसक्ति दुखों का कारण, कैसे कर्म बंधन में बंधते हैं, और कैसे कर्म के बगैर हम रह नहीं पाते, क्या कर्म का त्याग किया जा सकता है, क्या कर्म के बगैर रहा जा सकता है, ये सभी हम गीता थेरेपी के अंतर्गत जानते हैं। क्योंकि श्री कृष्णा जो एक महान साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हुए हैं, उन्होंने श्री अर्जुन महाराज, मैं श्री अर्जुन महाराज ही कह रहा हूँ क्योंकि वो अर्जुन महाराज आज हर घर में है। हर इंसान अपने आप में अर्जुन के दर्शन करता है। जब वो परेशानियों से गिरता है, जब वो चिंता का
शिकार होता है तब वो श्री अर्जुन महाराज बन जाता है। तो कैसे कृष्णा ने उसके दुख काटे, कैसे उसके बंधन तोड़े, ये गीता थेरेपी आज हमें सिखाती है। इसके साथ साथ द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान ही है जीवन का नाम। कैसे वर्तमान में जिए, कैसे वर्तमान को जीवन की शक्ति बना लें, कैसे वर्तमान के प्रति अवेयर आ जाए, ये सभी हम द पावर ऑफ नाउ माइंडफुलनेस टेक्निक के अंदर जानते हैं। आप इन वीडियोज़ के लिए समय निकालते हैं और इन वीडियोज़ को अपने मित्र बंधु दोस्त परिवार के सदस्यों तक शेयर भी करते हैं। इन सभी आपके एहसानों के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ।